शाब जी नमस्कार, स्वागत है आपका हैशटैग फूडी मॉरल में। आज आपको मैं सिखाने वाला है पंजाबी ओंडा तोरी, ठीक है? तोरी बोलो खोरी बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी मैं आ गया है आपके साथ, अब मैं आपको अच्छा सा ओंडा खोरी बनाना सिखाएगा रे बाबा, ठीक है? अब अपने को सबसे पहले ना कढ़ाई में तेल गर्म करने का है, फिर उसमें छिलेली मुर्गी के अंडे को फोड़ने का है, उसको अच्छे से पकाने का है और उसको चटकाने का है। जब वो चटक जाए उसके बाद उसको अपनी प्लेट में वापस लटकाने का है। साहब जी क्या कॉलर निकल के आया रे साहब जी। फिर कुछ साबुत मसाले को तड़काने का है, तड़काने के बाद उसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट पटकाने का है। थोड़ा टमाटर डाल के उसको संग डुलाने का है। ये टमाटर बहुत अच्छा लग रहा है रे बाबा। फिर हरा धनिया को डाल के उसके साथ घुमाने का है। अभी कटा हरी मिर्च चना उसमें डालने का है। उसके बाद ना अपने को सारा प्याज इसमें डालने का है। अब आप सोचिएगा प्याज पहले क्यों नहीं डाला रे, मेरा मर्जी, मैं पहले डाले बाद में डाले तेरा क्या जाता है, तो देखना ट्राई कर। उसको अच्छे से घुमाने का है, फिराने का है, नचाने का है। इस प्याज ने मेरे को बहुत रुलाया था रे बाबा। फिर उसमें स्वाद अनुसार नमक डालने का है, मेरे पे नहीं जाने का है, अपने स्वाद अनुसार नमक डालने का है। फिर उसमें लाल मिर्चा पाउडर डालने का है, उसको फिर थोड़ा सा टहलाने का है, डुलाने का है, अच्छे से टहलाने का डुलाने का। लाल मिर्चा पाउडर बहुत तीखा होता रे बाबा, ज़्यादा शोर शराबा नहीं करने का है, उसको अच्छे से दबाने का है, मैश करने का है, ताकि तुम्हारा ग्रेवी में ना बहुत बढ़िया जान आ जाए। उसके बाद में थोड़ा धनिया पाउडर डालने का है, उसके बाद थोड़ा चिकन मसाला पाउडर डालने का है, ठीक है? और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालने का है, जिसको हम इंग्लिश में टर्मरिक पाउडर भी बोलता है रे बाबा। टर्मरिक पाउडर डालने का है और फिर उसको अच्छे से घुमाने का है, फिराने का, नचाने का है, ठीक है? और अच्छा सा घुमाने के बाद में उसको अच्छा सा मैश करने का है। और उसके बाद किसकी बारी आती रे बाबा, आपको याद होगा पंजाबी का फेवरेट क्या है, बोलो क्या है? अरे तुम नहीं जानते रे बाबा, पंजाबी सबसे ज़्यादा दही पसंद करता है रे। अब अपने को इसमें दही डालने का है और कंजूसी नहीं करने का है। एक कटोरी दही लिया है तो एक कटोरी डालने का है, धीरे धीरे डालने का है, अच्छे से हिलाने का है। तो मक्खन निकल के बाहर आ जाएगा ना बाबा, तब तक हिलाने का है, ठीक है? पूरा कटोरी डालने का है और ये कटोरी को बाद में चाटने का नहीं है, जो उसमें बचा है उसको उंगली से निकाल के इसी में डाल देने का है, ठीक है? मेरे को पता है रे तुम बहुत ज़्यादा कंजूस हो रहा है, इसलिए सारा दही इसमें डालने का है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करने का है आपको। और तुम कंजूसी करेगा ना तो सारा टेस्ट बिगड़ के हाथ में आ जाएगा रे। अब उसमें एक गिलास थोड़ा पानी डालने का है। पानी डालना यानी कि ग्रेवी को थोड़ा ढीला करना, और जब खदकेगा तो ग्रेवी पानी सूखेगा और ग्रेवी थोड़ा ऑटोमेटिकली फिर से टाइट हो जाएगा रे बाबा। काहे को टेंशन ले रहा है तू? अब देखो खुद का आ गया है, उसके अंदर छिलेली मुर्गी के अंडे को डुबकी लगवाने का है, ठीक है? अच्छे से डुबकी लगाने का है और थोड़ा जो बचा हुआ कटा हुआ धनिया रखा है अब उससे इसको सजाने का है, ठीक है? कोई देर नहीं करने का है, जल्दी से उसको सजा देने का है। सजाने के बाद बहुत अच्छा देखने में लगता है ये, देखो। अब आप कढ़ाई से डायरेक्ट लेके खाओ या अपने बर्तन में गाल के रखो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता रे बाबा। रोटी से खाओ या चावल से खाओ, आपका मर्जी, मैं तो चावल से खाता है, मेरे को अच्छा लगता है चावल ओंडा कोरी के साथ में, ठीक है? धन्यवाद वॉचिंग वीडियो और सब्सक्राइब करके जाना।